ये कारा शेरा वाली माई का बोल साँचे दरबार की, नव दुर्गा मैया की, महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती मैया की जय। हाँ तो प्रिय भक्त लोगों, प्रिय भक्तजनों, हमारे यहाँ श्री संकटमोचन किनगी धाम दादाजी पर श्री माँ दुर्गा जी की स्थापना की गई है। यहाँ पर दो दिव्य ज्योति रखी हैं, एक तिल एक शुद्ध घी की और एक तिल तेल की। यहाँ पर देवी जी के जवारे भी बोए गए हैं और जो है हमारे सभी सदस्य लोग बढ़िया माता जी की सेवा में भी निरंतर रहते हैं एवं जो है सेवा का समय समय पर सब दिखाता हूँ। गाइस ये हैं देवी जी, आपको अच्छे सही से नहीं दिख रहे हैं, मैं अच्छे से दिखाता हूँ। ये कारा शेरा वाली माई का बोल साँचे दरबार की, नव दुर्गा मैया की, महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती मैया की जय। हाँ तो प्रिय भक्त लोगों, प्रिय भक्तजनों, हमारे यहाँ श्री संकटमोचन किनगी धाम दादाजी पर श्री माँ दुर्गा जी की स्थापना की गई है। यहाँ पर दो दिव्य ज्योति रखी हैं, एक तिल एक शुद्ध घी की और एक तिल तेल की। यहाँ पर देवी जी के जवारे भी बोए गए हैं और जो है हमारे सभी सदस्य लोग बढ़िया माता जी की सेवा में भी निरंतर रहते हैं एवं जो है सेवा का समय समय पर इससे अभी देवी जी का पाठ होने तैयार हो रहा है। अभी ये बन चुका है, इसको बिल्कुल खतरनाक बन चुका है। सो गाइस आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद और भी बहुत कुछ आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज जम्बू वाले महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य श्री 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 108 आलोक जी महाराज शास्त्री जी के द्वारा यहाँ पर देवी जी का पाठ किया जा रहा है एवं पूजा पाठ सुबह शाम दोनों समय समय को देखते हुए किया जाता है एवं कल जो है हमारे यहाँ अष्टमी के दिन महाआरती होगी। आज जो है आरती जाने होने जा रही है समय 8 बजे रात्रि में और 8:30 बजे सवेरे। प्रतिदिन इसी तरह का कार्यक्रम चलता है एवं प्रसादी वितरण किया जाता है और यहाँ पर पाठ चल रहा है और बत्ती पर्याप्त जल रही है और कैसे अभी होने वाली थोड़ी देर पूजा। तो कैसे आपको पूजा भी दिखाने वाला हूँ, लाइव देखना आप पूजा। तो कैसे आपको तो सीधे पूजा और भी कुछ अगर लॉजिक मिलता है और भी अगर तो कैसे ये सब मेरे वो जो मंदिर पे दादाजी की पूजा करते हैं वो वाले गुरु जी ने बोला था, जो बरेली में रहते हैं उनने बोला था। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तो नहीं गाइस मैं गलत नहीं बोलना चाहता और गाइस अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। और गाइस ये सब आपने को ने और कुछ सब बता दिया है तो आपको तो थोड़ी देर बाद और अगर और कुछ मिलता है तो आपको ज़रूर ब्लॉग शूट करूँगा, सो आप देख लेना। तो आपको तो थोड़ी देर बाद गाइस हमारे जो ऐसे ही जिनका ये मोबाइल है नाम नहीं बताना, तो गाइस जिसका ये मोबाइल है तो गाइस वो मेरे नरसिंहपुर मेरे लिए वीडियो लेके आए हैं बिल्कुल मोबाइल भर के। गाइस देखता हूँ मैं कौन सी वीडियो है कौन सी नहीं है। तो गाइस और कुछ लॉजिक मिलता है और दिखाता हूँ। तो पहले इसकी वीडियो देख लेता हूँ कहाँ पर है। तो गाइस मैं इसको देख लूँगा और आपको ज़रूर इस वीडियो में डालूँगा वो सारी वीडियो, तो आप ज़रूर देखना और दिखाता हूँ और गाइस कैसा क्या है और भी बहुत कुछ लॉजिक दिखाता हूँ आपको। तो आपको थोड़ी देर बाद पहले कोने में जाता हूँ फिर दिखाता हूँ अच्छे से। जैसे गाइस फुल ब्राइटनेस करने के बाद ही बहुत बेकार दिखा रही है मेरे कैमरा। गाइस ये है जो वीडियो बना के लेकर आए वो ये हैं और गाइस मेरे को ये पता किस मेरे को लग रहे थी कि मतलब एक लेडीज हैं मतलब जो गर्ल्स बोलते हैं इंग्लिश में। मेरे को ये करने के बाद आँख वाला करने के बाद अब सही दिखा रही ब्राइटनेस यहाँ पर दिखा रही सही यहाँ पर। हाँ तो गाइस ये मेरे को लग रहा था जो गर्ल्स बोलते हैं उनका ही लग रही थी कि सच में गर्ल्स है एक मतलब जो जेंट्स
और जो मतलब आदमी रहते हैं तो उनने मतलब गर्ल्स को बनाया है जो देवी जी। तो गाइस अब मेरे को पक्का हो गया है। तो गाइस नरसिंहपुर में ये हैं, तो गाइस ये मतलब देवी जी नहीं, ये गर्ल्स नहीं है, मतलब देवी जी हैं और इनने बनाई वो वीडियो मतलब फ़ोटो खींची है। और ये हैं और भी और ये फ़ोटो उनकी और ये पोस्टर जो लगा हुआ है। तो गाइस ये आपने देखा होगा वहाँ पर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर हर चीज़ पर बहुत वायरल हो रही थी ये फ़ोटो, हर कोई डाउनलोड करके हर कोई डाल रहा था। तो गाइस हम तो इतने बड़े हो ही नहीं तो कि हम जा सकें, पापा जी के साथ जा सकते हैं। तो अभी तो गाइस अगर और कुछ दिखाता हूँ, और गाइस पहले इसको छोटी कर लेता हूँ। गाइस ये हैं बिल्कुल, तो आपको पूरी दिखा देता हूँ। पहले ये लाइव चलाई थी गाइस, लोगों ख़तरनाक लाइव चल रही है। और भी कुछ दिखाता हूँ, ये हैं टीवी गाइस, कलाकार ख़तरनाक था उसने गाइस, मेरे को बिल्कुल लग रहा थी का मतलब किसी गर्ल्स को बनाया। और गाइस ये और भी दिखा देता हूँ, भैया आ गए थे इसलिए मैं थोड़ा रुक के उनको बोलने लगा। ये भी लाइव चल रही थी गाइस, बिल्कुल ख़तरनाक लाइव चल रहा थी ये लाइव, तो ख़तरनाक ही चल रही। पहले इसको छोटी कर लेता हूँ। ये लाइव चलाई ये हमारे नहीं बता रहा कहीं, जो काम कर रहता है वही बता रहा हूँ, क्योंकि वो कल को कुछ बोलने लगे मेरे से कि मेरी वीडियो क्यों बनाई थी इसलिए। और वीडियो में आएगा इस मेरे को क्या जाता है, मैं क्या बता रहा हूँ कि जिनने बनाई थी। और ये होंगे कुछ मतलब ये तो वही हैं। और गाइस ये गाड़ी की वीडियो, ये रोहन भैया शायद तक आगे बैठे हैं या, और ये भैया चला रहे हैं गाड़ी, सुमित भैया लोग ख़तरनाक गाड़ी चला रहे हैं। और ये आगे बैठे हैं जो हमारे हमने गाइस, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि वो ज़्यादा बड़े बड़े मतलब मेरे से उम्र के बहुत ज़्यादा बड़े हैं। जब ये वाले भैया इतने बड़े हैं तो उनके पिताजी कितने बड़े होंगे, इसलिए मैं और आपको नाम नहीं बता सकता। ये गाइस ये आप नहीं दे भाई, और गाइस यही सब कुछ है। और आपको मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया क्योंकि मैं गाइस इस मोबाइल में करता है। तो गाइस इससे अच्छे मैंने इसी मोबाइल में बता दिया। तो गाइस आपको मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। इस मोबाइल में मेरे को और फोटो मिल गई थी दुर्गा जी की, ये वाली सबसे लास्ट में ये दिखाता हूँ। ये हैं, ये देख सकते हो, वो ये बन रही थी, सजावट हो रही थी इनकी, सज रही थी बहुत खतरनाक, वो कलाकार रहा था वो सजा रहा था। और ये रही फुल फॉर्म में, ये बिल्कुल ख़तरनाक। और भी दिखाता हूँ, और ये है ये भी वीडियो, ये देख सकते हो ये ख़तरनाक वीडियो। और भी कुछ दिखाता हूँ, ये दुर्गा जी बन रही थी बिल्कुल ख़तरनाक। तो गाइस मेरा कैमरे में ज़्यादा साफ नहीं है, पहले हिला लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। मूवी सेंड कर दे। और ये हैं दुर्गा जी, ये हैं गाइस दुर्गा जी, ये बन रही थी, सजावट हो रही थी। तो गाइस ये सब मांगने के लिए आगे गाइस मैं कोने में यहाँ पर पीपल के तरह बना रहा था वीडियो और आपको सब कुछ दिखा रहा था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा साउंड आता आपके लिए, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर आके बता रहा गाइस। यहाँ पर ही आ गए मतलब जो मेरे ऐसे वो भी आके बोल रहे हैं मेरे को सेंड करने हैं जो वीडियो आप लोग तू लेगा। तो गाइस ये क्या मतलब होगा कि मैं भी मैं लूँगा तो तुमको भी दूँगा, क्योंकि गाइस मैंने मेहनत करी है, उन्होंने मेरे को मोबाइल दिया है, मेरा मोबाइल होता तो गाइस मैं उनको भी सेंड कर दूँगा। ये ऐसी कुछ बात नहीं है, तो मैं तो आपको ऐसी एक्सप्लेन कर रहा था। तो गाइस आपको मतलब थोड़ी देर बाद।